तो ही तो था जर्नी स्टार्टिड लास्ट ईयर इन अक्टूबर आई कम्पोज उसी समय मैंने कंपोज किया और मैंने सोचा इस गाने को अब आना चाहिए आई कैन वेट लॉकडाउन कब क्यू नो खत्म हो रहा है आई वॉज वेरी इम्पेश सो उसी समय मैंने सोचा कि ये गाना uh, लिखवाते हैं एंड पूरा द स्टोरी स्टार्टिड देयर एंड ओनली ओके वेन आई कम्पोज सॉन्ग आई हैड दस इन माइंड कि ये हार्ड ब्रेक सॉन्ग होगा धुन से पता चल जाता है म्यूज़िक कम्पोज़र को कि वो कौन सी जोनर में जा रहा है गाना कौन सी फील में जा रहा है जाना गाना तो जब मैंने अपने लिरसेज गाजी मोहन जी को मैंने फ़ोन किया और मैंने बताया कि गाज़ी जी ऐसा गाना है मैंने उनको ब्रीफ किया कि यू नो इट्स अ ब्रेक सॉन्ग धोखा दिया है ऐसे ऐसे शब्द आप यूज़ करें जो बिल्कुल रिलेट कर पाए हर यू नो एवरी ह्यूमन बींग रिलेट विद द लिरिक्स विद द ट्यून विद द सॉन्ग ओवरऑल तो ऐसे ऐसे uh, मैंने समझाया उनको ब्रीफ दिया एंड ही वॉज़ वेरी गुड विद दिस जॉब एंड उन्होंने uh, दो तीन दिन के अंदर मुझे मुझे गाना दे दिया एंड उसके बाद हमने वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द ट्रैक एंड वी रिकॉर्डेड द ट्रैक्स बहुत uh, मुश्किल होता है जब हम गाने की बात करते हैं गाने को लॉन्च लॉन्च करना एक, मिलना एक Uh, मैं जानना इस मामले में आपकी जर्नी कैसे रही सिमरन तो हाँ you know, yes. uh, 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 जी uh, uh, मैं उनसे संपर्क में आई और उन्होंने कहा कि वायला डीजी जी इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म क्योंकि वो न्यू टैलेंट को बहुत अपलिफ्टमेंट देते हैं uh, कदर करते हैं uh, और प्लेटफॉर्म अच्छा देते हैं तो इसीलिए उन्होंने व्हेन दे हर्ड माई सॉन्ग व्हेन जी एंड मिस्टर गिरीश जैन जी जब उन्होंने मेरा गाना सुना और उनको पसंद आया तो उन, उनको लगा कि हाँ दे इज़ अ पोटेंशियल तो दे टुक सॉन्ग एंड हेयर द सॉन्ग इज प्लेंग ऑन वायला डी जी एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दैम क्या आपने उम्मीद की थी देंगे Uh, उम्मीद रखनी चाहिए अगर मैंने uh, इतनी उम्मीद रखी तो इतना तो मुझे ज़रूर मिलेगा तो मैंने अभी तक इतनी रखी है मुझे मिला है तो मुझे बहुत खुशी मिली है कि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है इट्स मोर देन माय उम्मीद अच्छा uh, us, uh, एक तो आपने कंपोजिशन कर लिया गाना, हमने कर लिया। करने का भी था या uh, it, it नो ऑफ कोर्स आई मीन हम गाना अगर ऐसे ही लेके आए तो कोई uh, आज के uh, एरा में पीपल डू नॉट दे वांट टू वॉच द वीडियो एंड इट्स मैंडेटरी इट्स फेयर इनफ तो येस हम जब गाना लिख बना लिए तो ऑफ़ अफकोर्स स्टोरी की गई एंड वी हैव दिस फुल इन द माइंड कि हम लोग उसको डायरेक्ट करेंगे एक वीडियो बनाएंगे जैसे गाने आजकल आ रहे हैं यू नो सिंगल्स आ रहे हैं तो उस तरह से कहानी पेश करेंगे एंड बिकॉज दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट सिंगल आई डन टू सिंगल्स अर्लियर सो थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज था वीडियो कैसे होता है ऑफ कोर्स वी वी हैड सेवरल सेटिंग्स एंड बिफोर गेटिंग ऑन टू द फ्लोर कि किस तरह से हम करेंगे मुझे वो ब्रीफिंग देते थे कि यू नो वी विल यू नो पहले तो हमारी uh, बात थी कि वी विल शूट इन मुंबई इट्स सेल्फ बट क्योंकि मेरा uh, मेरी चाहना थी कि मैं जंगल्स में शूट करूँ सो वी है वी गॉट द लोकेशन इन छत्तीसगढ़ सो वी ट्रेवल्ड एंड वी रियली इंजॉयड यू नो डूइंग द हार्ड वर्क ओवर दर एंड ये डायरेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने पूरी कहानी लिखी है मुझे समझाया सेट पर एंड आई थिंक ये इज डन अ लवली जॉबिंग बिकॉज मेरे फिंगर सेट है भगवान की कृपा से मेरे फिंगर सेट है एंड ऑफकोर्स बिफोर आई स्टार्ट कंपोजिंग

जो गाना हम सिखाते हैं ना स्टूडियो uh, में वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए बट वेन इट कम्स हमारे ऊपर आता है कि हमें एक्सप्रेशंस लाना है तो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब फॉर मी बट येस बाकी uh, हो गया आई गॉट ग्रेस येस इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट गेट ईजिली ब्रेक गेट द ब्रेक इजिली इन द

They are brilliant. I mean, मुझे, उन, उनको मेरी कॉम्प्लीमेंट की गाना सुनता हूँ you know, ये तो बहुत, आता बहुत है, जो बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरा बहुत बड़ा मुझे आई डोंट नो मुझे किसी ने कहा नहीं थैंक यू फॉर दैट आई होप सुनिधि जी uh, ये ये कॉम्प्लीमेंट सुन रही है वेरी थैंकफुल टू यू बट या मुझे लाइक आई हैव सैंग अर्लियर तो मुझे नाजिया हसन जी से कंपेयर uh, किया गया है एंड uh, अलीशा चुना जी से कंपेयर किया गया है इन मैं प्रीवियस वर्क बट सुनिधि जी से कभी नहीं सो आर द फर्स्ट वन इज़ टेलिंग मेथ दिस थैंक यू